एक जंगल में गौरी कव्वे अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसका पति भूरा कव्वा एक कारखाने में काम करता था। उन दोनों की शादी होके एक महीना ही गुजरा था कि एक दिन भूरा कव्वा काम करके घर आता है। गौरी, मुझे ये ग्लास ठंडा पानी दे दो, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मगर भूरे जी, इतनी ठंड हो रही है मगर आप ठंडा पानी मांग रहे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गौरी, मैंने कहा ना मुझे ठंडा पानी ला कर दो, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है क्या? गौरी कव्वे रसोई से ठंडा पानी लेकर आती है, लेकिन भूरा कव्वा तो बेजान पड़ा था। भूरे जी, क्या हुआ, आंखें खोलिए। अरे आप तो बेजान पड़े हो। माँ जी, जल्दी यहाँ आइए, देखिए ना इन्हें क्या हुआ है। अरे बहू, क्या हुआ भूरे को? माँ जी, मुझे नहीं पता इन्हें क्या हुआ है, कारखाने से आने के बाद मुझसे ठंडा पानी मांगा, जब मैं पानी लेकर आई ये ऐसे ही पड़े थे। अरे ओ मनहूस, तू किसे उठा रही है? अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तू खा गई मेरे बेटे को। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा, एक ही तो कमाने वाला था मेरे घर में। गौरी की सास की रोने की आवाज़ सुनकर जंगल के सारे पक्षी उसके घर आते हैं। अरे बूढ़ी माँ जी, इसमें आपकी बहू का क्या दोष है, तुम बेकार में इस पर चिल्ला रही हो। इसे दोष ना दो तो किसे दू, एक महीने पहले ही बहू बनकर मेरे घर आई थी, खा गई मेरे बेटी को, मेरे बेटे बुरा। बूढ़ी माँ जी, संभालिए अपने आप को, आजकल हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, जंगल के पक्षी इसके वजह से बहुत मर रहे हैं। कुछ भी हो लूसी, मैं इस मनुष्य को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। जब मेरा बेटा ही इस दुनिया में नहीं है तो ये मनुष्य इस घर में रहकर क्या करेगी? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो, बूढ़े जी मेरे पति भी थे, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन गौरी कव्वे का भाई जग्गू कव्वा उसके घर आता है। गौरी दीदी, तुम और कितने दिनों तक इस घर में रहोगी, चलो मेरे साथ। नहीं छोटे, मैं माँ जी को छोड़कर तेरे साथ नहीं आ सकती। गौरी दीदी, जीजू के जाने के बाद से घर का खर्चा कैसे चल रहा है, मैं तो कहता हूँ तुम्हें तरह तरह के व्यंजन बनाना बहुत अच्छे से आता है, तुम एक ठेला लगा सकती हो ना? नहीं जगो बेटे, मैं भूखे मर जाऊंगी, लेकिन मेरे घर की बहू को बाहर नौकरी करने नहीं दूंगी, क्या कहेंगे जंगल के पक्षी? माँ जी, अब आप बूढ़ी हो चुकी हो, आप कुछ नहीं कर सकती, सब मेरी बहनें कर सकती हैं, आप इसको काम करने दीजिए। हाँ भाई, तुम ठीक कह रही हो, मुझे चुरचुर नान बनाना बहुत अच्छे से आता है, मैं वही बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचूंगी। अगले दिन से गौरी कव्वे चुरचुर नान बेचने लगती हैं। चुरचुर नान खाओ, चुरचुर नान, सिर्फ एक प्लेट 10 रुपए, चुरचुर नान खाओ। चुरचुर नान बहुत स्वादिष्ट था, जंगल के सारे पक्षी चुरचुर नान खाने के लिए आते हैं, उनमें से एक कालू कव्वा भी था। कालू कव्वे को गौरी कव्वे पहले ही नजर में भा जाती है, वो रोज उसके पास चुरचुर नान खाने के लिए आता था। गौरी जी, मैं कई दिनों से एक बात कहना चाहता था, मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, आप एक मेहनती और अच्छी पक्षी हो। कालू जी, मुझे भी आप बहुत
पसंद हो, लेकिन मैं मेरी माँ जी को नहीं छोड़ सकती। मेरे अलावा उनको इस दुनिया में और कोई नहीं है। गौरी जी, मैं कहाँ कह रहा हूँ उनको छोड़ने के लिए, हम तीनों एक साथ मिलकर रहेंगे। फिर उन दोनों की शादी खुशी खुशी से अच्छे से हो जाती है। फिर कालू कौवा भी गौरी के साथ मिलकर चुरचुर नान बेचने लगता है। वो दोनों मिलकर ढेर सारे पैसे कमाने लगती हैं। गौरी कौवी की जिंदगी में फिर से एक बार खुशियाँ लौट कर आती हैं। वो खुशी से रहने लगती हैं। चमेली कौवी अपनी बेटी गौरी कौवी के साथ रहती थी। उन दिनों चमेली कौवी बहुत बीमार थी। गौरी बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज के लिए घर के सारे काम तुम कर दो। पर माँ, मैं जंगल पूरा उड़ती हूँ, खेलती हूँ, घूमती हूँ, मैं तो थक जाती हूँ ना, लेकिन तुम तो सुबह से शाम तक घर पर ही रहती हो। ये तुम रोज रोज बीमार क्यों होती हो? ये सब मुझे घर पर रखने के बहाने हैं माँ। मैं तो घर में नहीं रहूंगी, मुझे खेलने जाना है। ऐसा कहकर वो गौरी कौवी खेलने के लिए बाहर से चली जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी ही मुझे समझ नहीं पा रही है। चमेली अपनी बेटी को पुकारने लगती है। वो बहुत बीमार होने के कारण उधर ही चक्कर आकर गिर जाती है। कुछ समय बाद वहाँ से लूसी कबूतरी जा रही थी। वो चमेली को देख लेती है और उसके पास आती है। माँ जी, आपको क्या हुआ? माँ जी उठिए माँ जी। लूसी कबूतरी कितना कहने पर भी चमेली कौवी नहीं उठती है। फिर लूसी जल्दी से चमेली कौवी को उठाकर अस्पताल ले आती है। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। वैसे भी माँ जी आजकल बहुत बीमार रहने लगी। लूसी, मैं माँ जी का चेकअप करके तुमको बताता हूँ, तुम इधर ही रहना। नहीं डॉक्टर जी, मुझे कहीं जाना है, मैं उसकी बिटिया गौरी को यहाँ भेज दूंगी। लूसी कबूतरी गौरी कौवी को ढूंढते हुए जंगल पूरा घूमती है, लेकिन उसको गौरी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तभी उसको वो जंगल के आखिरी हिस्से में खेलते हुए दिखाई देती है। गौरी, तुम्हारी माँ अस्पताल में है, तुम जल्दी से वहाँ जाओ, तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है। हे भगवान, मेरी माँ अस्पताल में है, मैं अभी वहाँ जाती हूँ और कभी खेलने के लिए बाहर नहीं आऊंगी। ये सब बातें बोलूंगी करके लूसी आंटी सोच रही होगी, है ना लूसी आंटी? लेकिन नहीं, मेरी माँ तो रोज नाटक करती है, अब तो ये रोज का हो गया है। गौरी, लूसी आंटी की बातें सुनो ना, अगर सच में तुम्हारी माँ अस्पताल में है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ उनको तुम्हारी जरूरत होगी। वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रही हो खेलने के अलावा? चलो वहाँ चलते हैं। फिर छोटा कबूतर गौरी कौवी को अस्पताल ले आता है। माँ जी, बहुत समय से देख रहा हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी देखने के लिए नहीं आ रहा है, अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, किसी और का इंतजार मत कीजिए, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, अब आप इस दुनिया में कुछ ही दिन रह सकती हो। ऐसा कहकर तोता डॉक्टर वहाँ
वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाने के बाद गौरी कव्वी गुस्से से वहाँ आती है। गौरी बेटा तुम आ गई, डॉक्टर साहब ने क्या बोला सुना है तुमने? माँ तुम ये सब नाटक कब बंद करोगी? लूसी आंटी को भेजने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर जी ने क्या बोला होगा? तुम कुछ ही दिनों में मर जाओगी, यही ना? अब इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता, अब यही बोल दो। ये क्या गौरी, तुम अपनी माँ से ऐसा बर्ताव करती हो? ये सब ठीक नहीं कर रही हो। ओए कबूतर, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरी माँ मेरे साथ हमेशा यही करती है, वो हमेशा झूठ बोलती रहती है। कुछ समय बाद गौरी अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है। अभी रास्ते में उसकी माँ उससे कहती है, गौरी बेटा तुम यकीन करो या ना करो, डॉक्टर साहब ने मुझे कह दिया है कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी, उससे पहले मैं तुमको खुशी से देखना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। अच्छे से रहना मतलब किताबें लेके पढ़ना, वक्त पर स्कूल जाना, ये सब करना मुझे पसंद नहीं है माँ, मुझे तो खेलना कूदना अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन गौरी कव्वी खेल कूद कर अपने घर आती हैं। वो देखती है कि उसके घर के आगे कई सारे पक्षियाँ थी, वो उन सबको देखकर डर जाती हैं और डरते हुए घर के अंदर जाती हैं। अंदर जाकर देखती है तो उसकी माँ मर चुकी थी। अरे माँ ये तुम्हें क्या हुआ है? इतने दिनों से जो तुम कह रही थी वो सब करूँगी माँ, मुझे माफ कर दो, उठो माँ, उठो ना माँ। गौरी कव्वी तुरंत किताबें निकाल के पढ़ रही थी। गौरी अब तुम कितना भी पढ़ लो लिख लो, लेकिन तुम्हारी माँ वापस लौट कर नहीं आएगी। नहीं, मेरी माँ हमेशा मुझे पढ़ने लिखने को कहती थी, अभी मैं वही कर रही हूँ, देखो मेरी माँ उठेगी, जरूर उठेगी। ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी फुट फुट कर रोने लगती है। गौरी अपने आप को संभालो, अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी माँ अब लौट कर नहीं आएगी। थोड़े समय बाद चमेली के सारे दोस्त बाकी के सारे कार्यक्रम पूरे कर देते हैं। उस दिन से गौरी कव्वी पूरी तरह बदल जाती है, जैसे उसकी माँ चाहती थी वैसे ही।